मेरे पास है धूप वाला चश्मा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाने वाला चश्मा, क्योंकि इसमें सामने देखोगे तो नीचे का दिख जाता है। धूप वाला चश्मा ही दिख गया। और उसके बाद ये 3D चश्मा, और जब हम आदि पुरुष देखने गए थे उसके बाद ये चश्मा थिएटर वालों को भी नहीं मिला। लेकिन आज हमारे पास है ये जादुई चश्मा। ये जादुई चश्मा नहीं 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 सीधा कर, और इसको आंखों पे लगाते ही आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये है जियो का नया जियो डाइव, और पीछे बहुत सारे हाइलाइट्स, और नीचे की तरफ इजी टू यूज है। और कितना इजी टू यूज है ये तो हम इसको खोल के ही बता पाएंगे। तो बॉक्स खोलते सबसे पहले है एक क्विक यूजर गाइड, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम UPSC की तैयारी कर रहे होंगे। ओ भाई यस यही है वो, इसको चेक करेंगे बाद में। एक्सेसरीज को पहले चेक कर लेते हैं। नाइस एक्सेसरीज। इस प्रोडक्ट की प्राइस सिर्फ 1299 रुपए है, उस हिसाब से भाई क्वालिटी तो मस्त लग रही है। यहाँ पे इस पे सॉफ्ट सा मटेरियल यूज किया है, जिसकी वजह से चेहरे पे काफी कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पे हैं दो बड़ी बड़ी आंखें, जिसमें आप अपना छोटा सा फोन भी लगा दोगे तो सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और अगर आपका मन किया कि इसको नहीं रखना है तो भाई उतार दो, फंक्शनल है, टेक्नोलॉजी लगाया है इसके अंदर भी। बाकी स्ट्रैप की क्वालिटी भी ठीक ठाक सी है, इसको आप अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अपने सर का साइज XL, तो हमने अपने हिसाब से कर दिया भाई, अब हुआ ना XL। पता है बर्फ पड़ने वाली है। और ये जो ब्लैक वाला बटन है ना, ये दबा दिया, नहीं दबाना था, ठीक से सुनता नहीं यार, क्योंकि इसको दबाने से ये खुल जाता है और इसके अंदर लगता है अपना फोन। और फोन को टाइट करने के लिए है ये वाली क्लिप, बस इसके अंदर डालो और बंद कर दो। चलो थोड़ा एक्सपीरियंस लेते। इस VR के अंदर एक चीज स्पेशल है जो इस प्राइस रेंज के VR में स्पेशली नहीं होती है, और वो है ये 3 बटन्स। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जहाँ जिस एंगल पे आपको अच्छा दिख रहा है वहाँ पे रोक के आपको विजिबिलिटी बहुत मस्त मिलने वाली है। और ये होता इसलिए है कि जब आप इनको रोटेट करते हो तो लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो आगे पीछे जाती है, जिसकी वजह से आपको विजिबिलिटी एक पॉइंट पे बहुत मस्त मिलती है। और इस जियो डावे का और कमाल तरीके से आनंद उठाने के लिए आपको जियो इमर्स ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ये आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में इक्वली अवेलेबल मिल जाएगी, कोनो डिफरेंस नहीं। और इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही VR एप्स एंड 360 डिग्री वीडियोस के ऑप्शन मिल जाते हैं। और सबसे मजेदार, इसके जियोवर्स में आपको बहुत सारी एप्स मिलती हैं अलग अलग कैटेगरीज में, एंटरटेनमेंट, गेमिंग एंड लर्निंग। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 6.7 इंचेस की डिस्प्ले तक लगा सकते हो, तो डेफिनेटली साइज काफी बड़ा है, बाकी डिस्प्ले अपने आप बड़ी कर देगा। और ऐसा नहीं है कि आपको हर शो यहाँ पे 360 डिग्री में देखने को मिलने वाला है, जो शो 360 डिग्री में शूट हुए हैं वही आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेंगे VR में, अदरवाइज वो आपको नॉर्मल में ही मिलने वाला है। और बिग बॉस हाउस में भाई 360 डिग्री कैमरास यूज होते हैं, इसको लगाने के बाद आपको फील होने वाला है कि वहां के क्लेश में आप भी अंदर ही बैठे हुए और दो तीन पंच आप भी मारो उठाकर। और 360 वीडियोस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और जिस भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे रिडायरेक्ट करेगा, तो ये चीज आप डायरेक्टली यूट्यूब पे भी देख सकते हो। बस जियो इमर्स के थ्रू आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और ज्यादा बेटर बन जाएगा, आपको सारा VR वाला कॉन्टेंट इसके अंदर ही मिल जाएगा। और अगर आप हो एक स्टूडेंट तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भाई हॉस्टल रूम्स में हम भी रहे हैं, कोई स्पेस होता ही नहीं है, तो स्कूल कॉलेजेस में कोई हाँ बोले चाहे ना बोले, सिंपली रजाई में घुसो और अपना थिएटर खुद बनाओ और अपनी दुनिया को एंजॉय करो। और इसमें जो ये नीचे की तरफ ये बटन है, इससे आप नेविगेट कर सकते हो, जब अंदर स्क्रीन लगी होती है तो आपको होम पे जाना है, बैक जाना है, किसी और चीज पे क्लिक करना है, तो सिंपली आप इस बटन से ही कर सकते हो और अपनी मुंडी को यूज कर सकते हो कर्सर की तरह। इसको मैंने और पूरी टीम ने यूज किया है, प्राइस के हिसाब से इसका जो वेट है वो काफी कम है, जिसकी वजह से सर पे ज्यादा भारी फील नहीं होता है। और कई चाइनीज VR का अगर आपने यूज किया हो तो आपको पता होगा भाई 10-5 मिनट लगाने के बाद ऐसे भारीपन सा फील होने लग जाता है, भाई बस हो गया, लेकिन इसके साथ आप थोड़ा लंबा टाइम टिक सकते हो। बाकी 1290 रुपए में ये जियो मार्ट पे मिल जाता है, और सिंपली एप्लीकेशन इंस्टॉल करके नंबर डाल के OTP वगैरह 2-3 परमिशन दोगे, इतने में सेटअप भाई बहुत इजी। पर हाँ, नंबर जियो नंबर ही होना चाहिए भाई। बाकी इसको ट्राई करके हमको मजा आया, डेफिनेटली आपको भी मजा आएगा। सोच रहा हूँ अपार्टमेंट वालों ने छत का लॉक नहीं खोला तो इसी में पतंग के वीडियोस लगा के VR में देख लूंगा, संतुष्टि जरूरी है भाई। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।